अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट वाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ लोफर अंसारी। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में तापमान माइनस में है, कई जगह पर लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में लोगों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर हमारी भारतीय सेना सीमा तट पर डटी हुई है। सियाचिन में बर्फीले तूफान के बीच भारतीय सीमा की रक्षा में जवान तैनात हैं। ऐसे में मौसम में ड्यूटी करना भी एक जंग के बराबर है। इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में हमारे जवान अपना योगदान दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम भारतीय जवानों की बात क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। यूजर्स का दावा है कि वीडियो में भारतीय सैनिक हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बर्फीले तूफान नजर आ रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखें तो कई जवान जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। आगे देख सकते हैं कि जवान अपने तमाम हथियारों के साथ तैनात हैं। विजुअल्स में साफ देखा जा सकता है कि हवाएं काफी तेज चल रही हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई जवानों की तारीफ कर रहा है। वीडियो में कुछ जवान लेटे हुए भी नजर आ रहे हैं। सेना की ड्यूटी देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। अगर बात करें पिछले वर्ष की, तो पहले भी ऐसी कई वीडियो वायरल हुई हैं जिसमें देखा गया है कि कड़ाके की ठंड में जवान कैसे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हालांकि पिछले साल के मुताबिक इस साल की वीडियो दिल दहला देने वाली है। इन दिनों बर्फ हाथ में लेना ही बहुत बड़ी बात है, फिर ये लोग तो बर्फ में लेटकर ड्यूटी निभा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी चुनौती है। ये वीडियो भारत का बताया जा रहा है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं कि ये कहां का है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट वाइट टीवी और हाँ, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ऊषा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।